मेरे को जहां तक याद आता है कि मैंने सबसे पहले डॉक्टर का नहीं यही सोचा कि एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन बनना है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन बनना है। अर्लीस्ट मेमोरी इज क्लास 9। सो 11th में जब हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है, सो मेरे ज़्यादातर दोस्त लोग जो बायोलॉजी ले रहे थे वो ले रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, मैं ले रहा था कि प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने एस्थेटिक सर्जरी को वर्ल्ड मैप पे डाल दिया है, इंडिया की एस्थेटिक सर्जरी को। बहुत से दुनिया भर से पेशेंट्स आते हैं हमसे सर्जरी कराने के लिए। जो शुरू से लोग का ये रहता था कि हमें अमेरिका जाना है, हमें यूरोप जाना है सर्जरी कराने, क्यों मतलब वाई कांट वी अचीव इन इंडिया? नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर इन एवरी एस्पेक्ट, वाई नॉट इन कॉस्मेटिक प्लास्टिक? हम क्या वो वैसा रिजल्ट के साथ साथ बाकी इंटरनेशनल लेवल ऑफ केयर और स्टैंडर्ड्स दे सकते हैं? तो हम जिस भी हॉस्पिटल में हमने ज्वाइन किया वहाँ भी इस तरह के चेंजेस कुछ कुछ हमने रिक्वेस्ट किए, फिर अपना जब सेटअप बनाया तो इस तरह की हमने कोशिश रखी कि हम एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर सिर्फ सर्जिकल रिजल्ट्स के नहीं, सर्जरी के पहले और बाद के भी। मैं अपने स्कूल का बहुत आभारी हूँ, DPS आदिपुरम। मतलब आज भी मेरे को लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ काफ़ी हद तक स्कूल की वजह से हूँ, अपने टीचर्स की वजह से हूँ। मेरे को उन्होंने ना बड़ा सोचना सिखाया है DPS ने, और एक ये सिखाया है DPS आदिपुरम की एक बड़ी खास बात है कि आप जो भी करें उसमें कोशिश करें कि बेस्ट करें, चाहे बदमाशी करें। स्कूल में एक ऐसा एक एटमोसफियर है कि आप चाहे कोई खेल खेल रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत इंस्पायर करता है। जो थॉट प्रोसेस है, DPS से हमारा सिलेक्शन हुआ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया का एक टॉप मेडिकल कॉलेज माना जाता है। वहाँ पे हमने जो मैंने देखा ड्यूरिंग माई MBBS और MS जनरल सर्जरी डेज, कि जो पैशन एंड क्रेज फॉर पेशेंट केयर है ना, वो एक डिफरेंट लीग में है। एक हमारे टीचर साहब थे डॉक्टर जगदीश चंद्र सर, तो आज तक वो है कि हर सर्जरी से पहले एक बारी अपने नोट्स को रिवाइज करना। सो आज भी मैं हर रोज रात को आधा घंटा 15 मिनट, अगले दिन जो सर्जरी है चाहे वो रिपीटेटिव सर्जरी है, मैंने कल भी आज भी की थी, मैं वो नोट्स को पढ़ने पर लगती। तो वो आपके सारे स्टेप्स आपके दिमाग में आपके जहन में एक रिफ्लेक्स भी बन जाए कि आप सोते हुए भी वो सर्जरी कर पाए। वो चीज़ मैमसी में सीखी, मैमसी सर्जरी से सीखी। मैंने आज भी अपने सारे टीचर्स की अपने ओटी के बाहर एक ग्रेटिट्यूड वॉल लगा रखी है, उनकी फोटोज लगा रखी है, सुबह नमन करता हूँ। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम इज यू नो क्रेजीनेस अबाउट प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव मार्किंग्स। आज भी हम किसी भी सर्जरी करता हूँ मैं, सो मार्किंग्स में कम से कम 15-20 मिनट तक भी आधा घंटा तक लगता है, बिकॉज वो जो मार्किंग्स हैं वो एक रोड मैप होती है सर्जरी के दौरान। आप जो करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, तो इतनी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आए। बिकॉज देखिए स्पोर्ट्स में आप गेम हार सकते हैं, सर्जरी में आप कोई गेम नहीं हार सकते। सर्जरी एवरी सर्जरी विच यू डू हैज टू बी सक्सेसफुल। और फिर मैं गया अपने अल्टीमेट बॉस के पास डॉक्टर बेनिटो इंस्टीट्यूट में, तो सर ने सिखाया कि आप कुछ सर्जरीज करो और जो करो वो इस तरह से करो कि कोई और वैसे ना। मेडिसिन एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग ब्रांच है। हाँ, कुछ लोग आजकल थोड़ा सा उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं डॉक्टर्स को, और उसमें मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ डॉक्टर्स का भी हाथ रहा है इस तरह के थॉट प्रोसेस बनाने में सोसाइटी। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी नाइस, दे केयर फॉर देयर पेशेंट्स। कोई मरीज समझ नहीं पाता कि अगर कोई मरीज खुश नहीं है तो डॉक्टर एक्चुअली हैव स्लीपलेस नाइट्स। सो हर डॉक्टर चाहता है कि मरीज अच्छे से हील होए, अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट करता है, और वो भी हम भी करते हैं।